सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हुड़केश्वर इलाके में मां बेटे पर हमला, पड़ोसियों की करतूत। दोपहिया पार्क किए जाने को लेकर हुए विवाद में अभियंता ने पिता की मदद से पड़ोसी युवक और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। यह वारदात हुड़केश्वर के दुबे नगर में हुई है। 32 वर्षीय अमोल हनुमंत बंजारी इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। उसके पड़ोस में दिनेश उर्फ पिंटू देवगढ़े रहता है। पिंटू पुणे में इंजीनियर है। उसके पिता सुरेश कपड़े प्रेस करते हैं। दोनों परिवार के बीच करीब 3 साल से विवाद चल रहा है। 6 माह पहले आरोपियों का अमोल से विवाद हुआ था। इसकी शिकायत करने पर हुड़केश्वर पुलिस ने पिंटू और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गुरुवार की दोपहर आरोपियों के घर का काम चल रहा था। अमोल ने अपनी दोपहिया घर के पास मैदान में पार्क की। पिंटू के पिता ने अमोल को गालियां दी। अमोल ने दोपहिया हटाने का विरोध किया। आग बबूला होकर पिंटू अपने घर से हथौड़ा ले आया, उसे अमोल के सिर पर हथौड़ा से वार कर दिया। अमोल मूर्छित होकर जमीन पर बैठ गया। इसके बाद सुरेश ने अमोल के दोनों हाथ पकड़ लिए, जबकि पिंटू सिर पर हथौड़े से वार करने लगा। इस बीच बेटे पर हमला होते देख अमोल की मां मंदाबाई वहां आ गई। आरोपियों ने हॉकी स्टिक तथा डंडे से वार कर मंदाबाई को भी जख्मी कर दिया। हुड़केश्वर पुलिस ने पिंटू को हिरासत में लेकर हत्या के प्रयास तथा हमले का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।